हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंडिया लैंडस्केप चैनल। तो अभी बज रहे हैं 2:41 PM और मैं अपने बेटे को लेके जा रहा हूँ कटक के नराज के पास। एक पिकअप पॉइंट है, वहाँ हम आज पिकअप देखने जा रहे हैं। ये जगह के बारे में मैंने पहले सुना था लेकिन कभी गया नहीं। तो ये है हमारा जो नया ब्रिज है, त्रिशूलिया, कटक त्रिशूलिया को कनेक्ट करता है, ये वही स्क्वायर है। यहाँ से हम जा रहे हैं टुवर्ड्स नराज और ये 3 बजे के आसपास वहाँ पे लोगों का जमावड़ा होता है पिकअप्स देखने के लिए। ये एक्चुअली एक पिकअप पॉइंट, मतलब वो जो जगह है वहाँ पे थोड़ा सा जंगल एरिया है और वहाँ पे पिकअप्स बहुत सारा रहते हैं और वो एक प्राइवेट आदमी के एफर्ट के वजह से वो जगह थोड़ा डेवलप हुआ है। ये अभी हम नराज ब्रिज के ऊपर से क्रॉस कर रहे हैं अबव दी महानदी रिवर। और अभी हाँ, मैं जो बता रहा था, वो जो प्राइवेट एक आदमी है वो वहाँ पे जो पिकअप थोड़े थे वहाँ उनको खाना वगैरह वो प्रोवाइड करता है, इसलिए अभी पिकअप का थोड़ा पॉपुलेशन भी वहाँ पे ज़्यादा हुआ है। और अभी हम एक रेलवे लेवल क्रॉसिंग क्रॉस कर रहे हैं और वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू रीच द प्लेस बाय 3, लेकिन अभी 3 बज के थोड़ा ज़्यादा टाइम हो गया है। तो देखते हैं हम पहुँचते पहुँचते वहाँ कितना टाइम लगता है। तो अभी बज रहे हैं 3:14 PM। तो मैंने सोचा हम थोड़ा 15 मिनट लेट हो गए, लेकिन अभी भी यहाँ पे लोगों का जमावड़ा है और सभी अपना मोबाइल वगैरह रेडी करके जो पिकअप है उसका फुटेज पाने के लिए पूरा बेताबला उतावला हो रहे हैं सब। और अभी देखिए, ये एक्चुअली एक फायरिंग रेंज है और आज एक्चुअली वो पुलिस लोगों का फायरिंग चल रहा है और ये परमानेंट फायरिंग रेंज है ये जगह पुलिस लोगों का, और यहाँ पे कभी कभार फायरिंग प्रैक्टिस किया जाता है। तो अनफॉर्चुनेटली आज हम पहुँचे और आज फायरिंग प्रैक्टिस चल रहा है। तो जो वो प्राइवेट आदमी है जो पिकअप को खाना देता है, ये ही है वो आदमी जो अभी पिकअप को बुला रहा है एक खास तरह का आवाज़ निकाल के। लेकिन ये अभी हमको बता रहा था क्योंकि आज फायरिंग का शेड्यूल था तो आज पिकअप ज़्यादा दिखाई देने का चांसेस नहीं है, बहुत ही कम है। तो देखते हैं आज हमारे लक में कितना पिकअप हम देख सकते हैं। अराउंड 120 पिकअप्स यहाँ पे हैं, ये आदमी हमको बोल रहा था, लेकिन वो बोल रहा था आज। अरे ये देखिए, वो जो पिकअप का खाना वगैरह है ये अभी उसको वो रास्ते पे वो डालेगा उसको, और उसके बाद वो तो आवाज़ दे चुका है। तो धीरे धीरे पिकअप यहाँ पे आके जमा होंगे और काफ़ी भीड़ यहाँ पे जम चुका है और लोग, और ये देखिए पिकअप आने लगे हैं। एक पिकअप इनफैक्ट पहुँच चुका है यहाँ पे और लोगों का खुशी का कोई ठिकाना नहीं। तो देखते हैं, अभी 3 पिकअप्स पहुंच चुके हैं। तो अभी 7 to 8 पिकअप्स यहां पे पहुंच चुके हैं और ये जैसे एक लाइन पे वो उनका दाना रास्ते पे डाल चुका है तो वही एक ही लाइन में ये पिकअप सब जमा हो गए, वो खाना अपना खा रहे हैं। और ये जो आदमी हमको बोल रहा था कि आप थोड़ा जनवरी के लास्ट में या फिर फरवरी फर्स्ट वीक में यहाँ पे आइए तो काफ़ी ज़्यादा पिकअप देख पाएंगे। ये एक पिकअप का जोड़ा वो जंगल से निकल के आ रहे हैं और दूर पर आप गाड़ी वगैरह देख सकते हैं। आज क्योंकि फायरिंग शेड्यूल था तो वहाँ पे थोड़ा गाड़ी वगैरह है जो कि जनरली वहाँ पे नहीं होता है, और पिकअप आराम से आते हैं।
तो जनवरी एंड और फरवरी तक वो बोल रहा था कि पिकअप का पूछ भी निकल आते हैं और वो लोग पूछ निकाल के पूरा यहाँ पे ऐसा डेमोन्स्ट्रेट जैसे करते हैं, ऐसा होता है और लोग काफी एंटरटेन होते हैं। तो मैं फिर जनवरी के लास्ट में एक बार फिर से आऊंगा और एक बार फिर वीडियो बनाऊंगा एक्चुअली देखने के लिए कि कितना सारा पिकअप है। सो फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। होप यू हैव एंजॉयड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कंटिन्यू वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड।